नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको लेकर आई हूँ, आज की जो घटना है दिल्ली से सटे हरियाणा सोनीपत थाना कुंडली की ये घटना है दोस्तों। तो एक माँ अपने दोनों बेटियों को हॉस्पिटल में लेके पहुंचती है और डॉक्टरों से गुहार लगाती है कि जल्दी से मेरे बच्चों का इलाज शुरू करिए, मेरी दोनों बेटियों को सांपों ने काट लिया है। तो जैसे ही सुना डॉक्टर तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, पर ट्रीटमेंट पूरा भी नहीं हो पाता और वो दोनों बेटियों की डेथ हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर जो कीटनाशक जो दवाई गई थी उसकी वजह से उनकी डेथ होती है। जब डेथ हो जाती है तो उसी समय थाने में कॉल लगाए जाते हैं कि ऐसे ऐसे करके दो बेटियों की डेथ हो गई, और उन बेटियों का पोस्टमार्टम होता है जिसमें निकलता है कि दोनों बेटियों के साथ में बलात्कार हुए हैं और उनको कीटनाशक दवाई पिलाई गई जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है। माँ का जैसे ही दोनों बेटियां ऑफ हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, वैसे ही माँ का तो रो रो के बुरा हाल होता है और सारे लोग जितने भी हॉस्पिटल में होते हैं सारे पूरी सब जगह एकदम ये खबर आग की जैसे फैल जाती है कि सांपों ने दो बेटियों को काट लिया, क्योंकि माँ यही रो रो कर बोल रही थी कि सांपों ने बेटियों को काट लिया है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ मामला अलग ही था। उसमें तो दोनों बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था, साथ में उनको कीटनाशक दवाई भी दी गई थी, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। तब जब ये घटना पुलिस थाने में पहुंचती है तो वहां की जो सब इंस्पेक्टर है उषा मलिक जी, उनके हाथों में ये कमान जाती है, उनको ये केस सौंप दिया जाता है। तो वो अपना पूरी तल्लीनता के साथ में उन माँ से, जो माँ होती है वो बेटियों उनसे पूछताछ करती हैं, पर माँ का बस एक ही जवाब था कि मेरी दोनों बेटियों को सांप ने काट लिया है। समय बीत रहा था लेकिन माँ का एक ही जवाब था कि दोनों बेटियों को सांप ने काट लिया था। फिर भी उषा मलिक जी ने हार नहीं मानी, वो लगातार माँ के संपर्क में रही और उनको जो भी उनके जो तीन भाई थे, दो बेटियों के तीन भाई थे, उनको देख रहे, उनको खाना खिलाना, उनके साथ में माँ के संपर्क में रही। फिर माँ 48 घंटे बाद माँ फूट फूट कर आखिर रो ही दी और माँ ने अपना दर्द बयां कर दिया उषा मलिक जी के सामने। तब माँ ने बताया कि तब उन्होंने घटना बताई कि 12 बजे का समय था, उस समय हम अपने घर में सारे लोग सोए हुए थे और चार लोग घर में दरवाजा, रात में 12 बजे दरवाजा खटखटाते हैं और मैं दरवाजा खोलती हूँ तो चारों के हाथ में चाकू रहता है और वो चाकू की नोक पर हमारे घर में अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद में बोलते हैं कि अगर आवाज लगाई तो मैं तुम्हारे तीनों बेटों को मार दूंगा। जैसी आवाज सुनती है, क्योंकि दोनों बेटियां, एक की उम्र 15 साल थी और दूसरी बेटी की उम्र थी 13 साल, दोनों बेटियों की जब आंख खुलती है तो एक 15 साल की जो बेटी एकदम से चीखी, मतलब इतनी तेज भी नहीं चीख पाई कि बाहर लोगों को पता चले, पर वो चीखी तो जो एक उसमें से एक जो था अपराधी, उसने क्या, उसका मुंह बंद कर दिया। पास में ही कीटनाशक रखा हुआ था, वो उसके मुंह में डाल दिया। वो उसी समय दूसरी बेटी की आंख खुलती है तो दूसरी बेटी के साथ में भी ऐसे ही करते हैं, उसके भी मुंह में कीटनाशक पदार्थ डाल देते हैं और वो चारों चाकू की नोक पर वो दोनों बच्चियों के साथ में, दोनों बेटियों के साथ में बलात्कार करते हैं। और उस माँ से बोलते हैं, अगर तुमने थोड़ी भी आवाज निकाली, अगर थोड़ा भी तुम चिल्लाई, कुछ भी किया, ये जो तुम्हारे तीनों बेटे हैं इन तीनों बेटों को मैं मार दूंगा। ऐसा उसने जब बोला तो वो चारों ने मिलकर बारी बारी से, जब तक का उनका मन नहीं भर गया तब तक दोनों बेटियों के साथ वो बलात्कार करते रहे। फ्रेंड्स, उसके बाद में जब वो चले गए बलात्कार करके और बेटियों की हालत गंभीर हो रही थी क्योंकि वो कीटनाशक जो उनके गले में चला गया था उससे उनकी हालत बहुत बिगड़ रही थी, वो लोग जब चले गए, 12 बजे की घटना है, 1:30-2 बजे के टाइम पर माँ अपनी दोनों बेटियों को छत पर लेके जाती है और बोलती है कि नहीं तुम लोग मतलब किसी से मत कहना ये सब चीजें। तो वो मतलब बेटियां रो रही थी, उनको दिक्कत हो रही थी क्योंकि उनके अंदर जो कीटनाशक जो गया था वो उनसे उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। बहुत देर होगी रोते रोते, 4 बज गया सुबह का, तो जो आसपास के जो जिस बिल्डिंग में वो रहते सारे मजदूर तबके के लोग थे, सब लोगों ने जब आवाज बाहर जा रही थी छत से तो कुछ लोग आए उनके घर पे, क्या हो गया कि आपकी दोनों बेटियां बहुत रो रही हैं। तो उस माँ ने बोला कि मेरी दोनों बेटियों को सांप ने काट लिया है।
जो वहां पर थे सबको बताया कि सांप ने काट दिया, तो सारे लोग इकट्ठे हुए, सारे लोगों ने जाकर हॉस्पिटल में ले गए उन दोनों बेटियों को। हॉस्पिटल में जाकर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन वो दोनों बेटियों की डेथ हो जाती है। माँ का रो रो कर दोस्तों बुरा हाल होता है। और सोचने वाली तो ये बात है, जो अपराधी थे वहां हॉस्पिटल में, वो उनके इर्द गिर्द ही घूम रहे थे, उनके आसपास ही घूम रहे थे, और माँ को बार बार धमकी दे रहे थे, अगर तुमने किसी को ये चीज बताई तो मैं तुम्हारे तीनों बच्चों को मार दूंगा, मैं तुम्हारे तीनों बेटों को मार दूंगा। तो माँ कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस वो वैसे ही दुखी थे। और ये जो अपराधी थे और उसको बार बार प्रताड़ित कर रहे थे कि कहीं, मतलब उनको डर था कि ये बोल ना दे, ये और बता दिया तो फंस जाएंगे। बार बार वो यही बोल रहे थे। उस समय जो हमारी उषा मलिक सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने इस चीज को जब वो जाना समझा, तो सारे जितने भी थे जो उस बिल्डिंग में 25 लोग रहते थे किराए पर, सबकी परेड कराई, सबको एक साथ में खड़ा करवाया, फिर उनकी पहचान की। तो उनकी पहचान होगी, चारों अपराधी पकड़े जाते हैं। उषा मलिक जी चारों को पकड़ने के बाद में, उसमें से एक जो चार अपराधियों को मैं आपको नाम बताती हूँ, उन चार अपराधियों को, एक का नाम अरुण पंडित है और ये चारों बिहार के ही रहने वाले थे दोस्तों। एक का नाम अरुण पंडित है, एक का फूलचंद, राम सुहार और दुखद पंडित। इसमें से जो अरुण पंडित है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अरुण पंडित की जो उनकी जो माँ की जो जो बेटी है, जो 15 साल की जिसके साथ में इन लोगों ने बलात्कार किया, इसकी अरुण पंडित की भी बेटी की उम्र यही है। इसकी चार बच्चे भी हैं, और बड़ी बेटी की उम्र, जिस बेटी के साथ इसने गलत किया उसकी उम्र की थी। तो लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा, तुमने क्यों किया, तुम्हारी उम्र की तो ये बेटी थी, फिर तुमने क्यों किया। तब जाके पता चला जाके लोगों को कि जहां जहां ये जो दोनों बेटियां काम के लिए जाती थी, इसकी जो अरुण पंडित की, इसकी बहुत गंदी नजर थी उस बेटी पर। जहां साइड पर जाना होता था ये बहुत घटिया नजर से देखता था, और बहुत ज्यादा ये गलत इंसान था जो अरुण पंडित थी। इसकी नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और इसने जाके और साथियों साथ में ये इस चीज को अंजाम दिया दोस्तों। और ये जो माँ थी जिनकी बेटियों के साथ में हुआ फ्रेंड्स, ये बिहार की रहने वाली थी, और ये विधवा महिला थी, जो इनके पति वहां नहीं रहे थे बिहार में, और इनके 7 बच्चे थे, एक जो बड़ा बेटा और बड़ी बेटी की ये शादी वहां बिहार में कर चुकी थी, लेकिन जो छोटे बच्चे थे उनको ये लेकर, एक 15 साल की बेटी और एक 13 साल की, और उससे छोटे बच्चे जो 3 भाई और थे, 5 बच्चों के साथ में ये आ जाती हैं कमाने खाने के लिए फ्रेंड्स, मजदूरी करने के लिए यहाँ पर हरियाणा में, सोनीपत में ये आती हैं रहने के लिए, और अपना अच्छे से जीवन यापन चल रहा हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ घटिया मानसिकता के लोग होते हैं, कि एक तो वो खुद विधवा अपने परिवार को जैसे तैसे करके चला रही हैं, लेकिन ऐसे घटिया लोग उनको जीने तक नहीं देते हैं फ्रेंड्स। जब ये घटना उषा मलिक जी को पता चली, तो उन्होंने इसको केस, उनको फांसी की सजा सुनाएगी। पूरा इसमें 2 साल 10 दिन लगे, 24 नवंबर 2023 को फांसी की सजा कोर्ट द्वारा इनको सुनाएगी, और ये भी सजा सुनाएगी कि इनको जब तक फांसी पर लटकाया रखना चाहिए, तब तक इनके प्राण ना निकल जाए, क्योंकि इन्होंने जो अपराध किया है बहुत जघन अपराध है। किसी को कीटनाशक दे के और आपने उसकी डेथ ही ले ली, और इतना बलात्कार, छोटी दोनों बच्चियां, एक 15 साल की एक 13 साल की, छोटी ही दोनों बच्चियां थी दोस्तों, तो इनका अपराध माफ करने लायक नहीं था, और उनको जब तक लटकाया जाना, यही कोर्ट ने बोला कि तब तक इनके लटके हुए लटके लटके तक इनके प्राण ना निकल जाएं। ये सच में ये सांप ही थे जो जो ये कीटनाशक दिया, ये सांप ही रो, सांप से भी, सांप तो एक बार जहर देता है दोस्तों, एक बार जहर देता है, लेकिन ये सांप सांप से ज्यादा बेहतर ये दरिंदे ही बोलेंगे इनको, जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया फ्रेंड्स। एक तो एक विधवा लेडीज पहले से ही दुखी, और ये कुछ लोग सच में जीने नहीं देते हैं लोगों को। तो उनको कोर्ट ने 2 साल के अंदर फांसी की सजा सुना दी, और काफी काबिले तारीफ मैं करूंगी उषा मलिक जी का, जिन्होंने पूरे तल्लीनता के साथ में इसमें उन्होंने इन चारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। तो ऐसे सच में पुलिस इंस्पेक्टर उषा मलिक जी को मैं सल्यूट करती हूँ, एक माँ को न्याय दिलाया जिसने। और फ्रेंड्स, एक माँ अपने बच्चों के आगे मजबूर हो जाती है,
क्योंकि माँ को वो अपने तीन लड़कों को बचाने का सोच रही थी कि बेटियों के साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन हमारे जो तीन बच्चे हैं उनको वो दरिंदे कुछ ना कर दें, क्योंकि वो बार बार वही धमकी दे रहे थे कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारे तीनों बच्चों को मार दूंगा। फ्रेंड्स, क्या हो गया है लोगों को, कहाँ चली जा रही है लोगों की इंसानियत। चलिए, उन्होंने जो किया उनको फांसी की सजा हो गई है। मेरा आज का जो घटनाक्रम का बस उद्देश्य यही है कि फ्रेंड्स जागरूक रहिए, जागरूक बनिए। कभी भी कुछ भी आपके साथ अगर गलत होता है तो उसका विरोध करिएगा, और शायद उषा मलिक जैसी इंस्पेक्टर अगर सच में नहीं बुलवा पाती तो शायद वो वहां के वहां ही दबा रहता, और माँ अपने बच्चों का डर कि उनको भी कहीं ना मार दें शायद वो ना बोल पाती। तो फ्रेंड्स, बहुत ही दुखदाई ये दुख भरी घटना है। हमारे समाज में बहुत ज्यादा आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं चल रही हैं। फ्रेंड्स, आज का जो घटनाक्रम है, मेरा उद्देश्य बस आपको जागरूक करना था, मेरा किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं है मेरा उद्देश्य। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और सावधान रहिएगा दोस्तों। राधे राधे।